हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप को कैसे हैकिंग से बचाएं, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपके ब्रदर हैं, या कोई भी आपके रिलेटिव है, या कोई भी आपके बिहाफ में आपको व्हाट्सएप ना यूज़ कर पाए। उसके लिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिंपली ये करना है कि एक नया अपडेट में आया है ऑप्शन, जैसा आप देख सकते हैं कि आप जाइए पहले व्हाट्सएप के अकाउंट में, वहाँ पे आप अपने अकाउंट में जाइएगा तो वहाँ पे दिखाएगा अकाउंट, शो करेगा। अकाउंट में जाइएगा आप, वहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन दिखाएगा, तो आपको इसको जस्ट इनेबल करना है। तो ये 6 डिजिट का पिन पूछेगा आपसे, तो आपको ये डिजिट का पिन ये ऐसा सेट करना है जो किसी को नहीं पता हो। आप अपने कन्वीनियंट के लिए कोई भी पिन डाल दीजिएगा जो आपको ध्यान हो, और रिकन्फर्म कर दीजिएगा आप। उसके बाद ये एक ईमेल आईडी पूछेगा, अगर इन केस आपको रिसेट करना है या फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ईमेल आईडी डालना चाहिए ताकि इन केस आप भूल गए हो तो आप वापस लॉगिन कर पाए, वरना वापस नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप वापस रिसेट ना कर पाए, और अगर आप रिसेट नहीं कर पाएंगे तो भूल जाएंगे, तो आप दोबारा कभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप कि ये जैसे कि इनेबल हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए कि आपके कोई भी रिलेटिव है, कोई फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर्स या कोई भी हो थर्ड पर्सन, वो चाहेगा कि चलिए वो लोग अगर आपका फ़ोन लेकर के अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप आपका इंस्टॉल करके वो अगर लॉगिन करना चाहेगा, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चलिए यहाँ पे अपना अकाउंट्स को लॉग आउट करता हूँ। देखता हूँ कि जब मैं लॉगिन करूँगा तो वो पिन मांगेगा, तो वो पिन तो हालांकि सिर्फ आपको पता रहेगा, तो जिसकी वजह से कोई भी हैकर हो गया या कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स होंगे आपके, वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ अभी। अपना नंबर डालेंगे और यहाँ पे ये वापस पास, एक तो पहले ओटीपी मांगेगा, तो चलिए ओटीपी तो इजीली अगर आपका फ़ोन उसके पास में होगा तो वो तो ओटीपी इजीली वेरीफाई कर सकता है। लेकिन ओटीपी डालने के बाद जो आपने 6 डिजिट का पिन के लिए पूछा है ओटीपी, एक्चुअली मेरे को देखना पड़ेगा, ओटीपी है 863। ओटीपी डालने के बाद आपने जो टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन जो एक्टिवेट किया था वो यहाँ पे पूछेगा। हालांकि ये आपने किसी से शेयर नहीं किया है, तो ये किसी को भी पता नहीं चल पाएगा, और ये जब तक सही इनपुट नहीं होगा तब तक कि जो पर्सन होगा आपके बिहाफ में वो यूज़ नहीं कर पाएगा, जब तक कि आप उन्हें बताएंगे नहीं। तो यहाँ देखिए मैं इनपुट कर देता हूँ ये टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये इनपुट करने के बाद इमीडिएट हम अपने व्हाट्सएप पे लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने अपना बैकअप को स्टोर किया है तो यहाँ पे बैकअप को, अगर आपने अपना बैकअप किया है सारे चैट्स को, तो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपने चैट को अपना बैकअप नहीं रखा है तो आप स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ये टोटली आपके लिए होगा। उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं कि वापस ये पूछ रहा है सेम प्रोसेस, आपका नाम एंड फोटोज़ वगैरह, तो आप इजीली वापस उसी पेज पर आ जाइएगा।